दोस्तों के पास खतरनाक लगा है, जो रस्सी के ऊपर चलते नहीं है बच्चे, देखो डंडा पकड़ के। जिसने ये भी खेल देखा है, चार बसे पूरी यूपी की बसे वहाँ पे आ रखी थी दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। और मैं बताना चाहूँ, आज हम आ रखे हैं मथुरा अगर गम्मा लगाने के लिए, 21 किलोमीटर पैदल चलने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात, आज है गुरु पूर्णिमा कह रहा हूँ मैं, गुरु पूर्णिमा मतलब सबसे बड़ी पूर्णिमा है आज की, माँ पूर्णिमा। अब चल रहे हैं, देखते कितनी ज्यादा भीड़ है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। आज यहाँ पे आने वाले हम सबको बहुत मजे चलने। हाँ, कहाँ पे उतरना है? जनसंघ। हाँ। तो चले जाओ अंदर, इधर साइड। कौन से स्टेशन जाना है आपको? कहाँ पे उतरना था? किधर जाना है आपको? हाँ, जनसंघ ही तो है, मथुरा जनसंघ ही तो है। स्टेशन यही स्टेशन ही तो, पूरा इधर से चल के जाओ, उतर जाओ, स्टेशन आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अंकल खो गए थे तो हमने थोड़ा सा रास्ता बता दिया। देखो पीछे स्टेशन है, फिर भी लोग कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं कि स्टेशन नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात ये देखो, भीड़ देख कर दोस्तों समझ सकते हैं कितनी बड़ी पूर्णिमा है आज। देखो बस पर छो रहा, क्या मामला, चल ले हम भी बस पकड़ते हैं यहाँ से। सारी बसें छूट रही, हम भी चलना है, जरिए चलते हैं, देखते हैं कौन सी बस पकड़ी। देखो दोस्तों स्टेशन से कैसी भीड़ उतर रही है, आज समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या होगा। बोल गोवर्धन महाराज की जय। राधे राधे दोस्तों, देखो सारी बसें लाइन से लगी, मैं उम्मीद करो देखो इसके पीछे 1 2 3 मतलब बहुत सारी बसें लाइन से लगी हैं। और भीड़ देखो दोस्तों, भीड़ देखो दोस्तों, कैसे जाएंगे हम यहाँ तो बंदे लटक लटक के जा रहे हैं। बंदे लटक लटक, चलो हम भी घुसते हैं, किसी बस में घुसते, खाली सी बस आ रही है इसमें घुसते हैं, इसमें घुसते हैं जल्दी जल्दी। बहुत भीड़ है, कहाँ से निकलेगा दोस्तों स्टेशन से। दोस्तों लेकर लगाए हम यहाँ से, अब सीधा मिलते हैं आपको। देखो कहाँ पे, वैसे उम्मीद तो पूरा गोवर्धन पे मिलते हैं। देखो कितनी दूर तक पैदल चलना पड़े, ना चलना पड़े। देखो ड्राइवर साहब फुल गर्मी में चल रहे हैं, देखो फुल टी शर्ट वीशर्ट में ना रखे, टी शर्ट क्या ठंडी पहन रखी फिर भी ना रखे हैं। ये हमारे बस के ड्राइवर है और ये हमारी बस, पीछे देख सकते हो, पीछे तो कुछ भी नहीं है, कचर पचर चल रही है। नाम देख सकते हैं दोस्तों के पास खतरनाक लगा है, देखो गए हम बिल्कुल जाम, बहुत कचर पचर है। बस से उतर चुके हम, अब चल रहे हैं पैदल पैदल। वैसे तो हमें चलना 21 किलोमीटर था, लेकिन 3 किलोमीटर पहले हमें बस में उतार दिया है, तो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब अब चलेंगे हम 24 किलोमीटर। और हाँ आपको एक बात बतानी थी, मुझे अभी पता चला, बस वाले बता रहे थे कि पूरे यूपी से 2000 बस आज चल रही है इस रूट पे अपनी। इसी से आप समझ सकते हैं कितनी क्या होगा, 2000 बसें, मैं तो सुन के चौंक गया। 2000 बसें मात्र 21 से 22 किलोमीटर के लिए चल रही है, बताओ स्टेशन से यहाँ तक के लिए। भीड़ बहुत ज्यादा दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ देख पा रहे हो, बस 3 किलोमीटर पहले उतार दिया बस ने हमें, इतनी भीड़ थी और धीरे 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 करके थक गए, इसलिए मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को उधर साइड, लेकिन 2000 बसें आ रखी हैं इधर। बहुत ही ज्यादा भीड़ है दोस्तों, फोन में देख पा रहे हैं, ऊंचे से दिखाऊंगा ना तब दिखेगी इतनी भीड़, इतनी भीड़ है मुझे लग रहा है पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। सरगम्मा हमने स्टार्ट कर दी है, अब बहुत भीड़ के साथ हमने स्टार्ट कर दी, पता नहीं चल रहा कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं खोना जाऊँ तो ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा मेरा सारे, ठीक है? इसी बात बोलो राधे राधे।
गोवर्धन महाराज की जय। भंडारे हो रहे दोस्तों जगह जगह पे। देख सकते हैं अभी हम लोग चल रहे थे परगम्मा के रास्ते में, देख सकते हैं क्या हो रहा है पे, खेल चल रहा है। जो रस्सी के ऊपर चलते नहीं है बच्चे, देखो डंडा पकड़ के, जिसने ये भी खेल देखा है वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर जल्दी जल्दी बताएं। साउंड ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता मैं दोस्तों, कॉपीराइट लग जाएगा। अब चल रहे हैं दूसरी में, जल्दी जल्दी चलते आ जाइए। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि 3 बजे हमने दूसरी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और अब देखते हैं कि वाली परिक्रमा कितने बजे तक लगा पाते हैं। और भीड़ देख सकते हो तो क्राउड बहुत तगड़ा क्राउड, और बाकी बातें अभी आपको बताता है। बैठने वाली जगह आएगी अभी, फिर वहाँ बैठ के आपसे सब सही सही से बात करते हैं। हम बात से दोस्तों आपने ये मंदिर देख लिया। अभी इस मंदिर के बारे में मैं आपको भी एक बात बताऊंगा, इस मंदिर में स्कैम चलता है अभी बताऊंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देख सकते हो दोस्तों ये बैठने की जगह, इस जगह का नाम है चूतर टेका। अभी बैठ के सब बातें करेंगे, बाकी आप भीड़ देखो यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पे बैठना ही पड़ता है। हम भी बैठेंगे कहीं पे। दोस्तों ये मूर्ति देख सकते हैं बजरंग बली की, इससे मैंने अपने एक दोस्त को बहुत बहुत पागल बनाया है बहुत। राधा रानी का सच्चा दरबार है, श्रद्धा भाव से अंदर आके परिक्रमा करें, क्योंकि राधा रानी बरसाने वाली है। दोस्तों ऐसी जगह जगह पे पानी की सेवा हमने कई बार किया। बादाम ठंडाई, बादाम ठंडाई। हेलो दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये आंटी देख रहे हो आप, तो बीच में रुकी पड़ी है हाथ में गद्दा लेके, आपको गद्दा नहीं दिख पा रहा हूँ उसमें, देखो थोड़ा सा ये पता है। ऐसे लोगों को पागल बनाती हैं, लोगों को रोकती हैं, दिखाती हैं कि हम लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं और बताती हैं कि हम बाहर से आ रखे हैं, हम कहीं से कि हम खो गए हैं, मतलब पैसे वैसे चोरी हो गए हैं, ऐसे करके हम सबको पागल बनाती। देखो ऐसे दिखाएंगे जैसे लेट के परिक्रमा लगा रही हूँ, गद्दा पकड़ खड़ी है, पर यहीं खड़ी रहेंगी काफ़ी देर तक, तुम देखते रहना यहीं रहेंगी। और मैं तुम सबको बता रहा था कि हम चूतर टेका भाई बैठे पड़े हैं, और दूसरी बात हमने 13 किलोमीटर की हमने परिक्रमा लगा लिया, अब 8 किलोमीटर की और रह गई है। गलियां छोटी हो गई, हम राधा कुंड आने वाले हुए। अभी राधा कुंड पे पहुंच के मिलते हैं दोस्तों। ये परिक्रमा के रास्ते में लगी है भीड़, कोई मंदिर नहीं आया अभी, ऐसी भीड़ हो गई है, गली छोटी इसलिए। पैसा नहीं लगता है ढोक लगाने में, श्रद्धा से प्रेम से ढोक लगा के मनोकामना बोल के जाओ।
तो हम अभी राधा कुंड पहुंचे थे और अंदर जाना बंद कर रखा, देख सकते हैं यही एंट्रेंस है बंद कर रखा है, तो बस यहीं पे चढ़वा ले रहे हैं। 5 बजे दोस्तों, 5 बजे हम राधा कुंड पहुंचे, देख सकते हैं भीड़ बहुत खतरनाक है। चलो फिर अब चलते हैं, हम देख सकते हैं आवाज़ में बदलाव लग रहा हो, क्योंकि पूरी रात जग रखते हैं, 5 बज चुके हैं, जगह ही पड़े हैं और चले जा रहे हैं। तकरीबन अभी हमने चल लिया होगा 16 किलोमीटर के लगभग चल लिया, 5 किलोमीटर और बचा दोस्तों, बस 7 के लोग देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सारे थक चुके हैं मेरे को दोस्तों, नींद की थकान हो रही है। ये परिक्रमा के रास्ते में देख रहे दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ राधा यहाँ से जिस कुएं में से पानी भरती थी, ये कुआ है, राधा रानी का कुआ कहते हैं इसे। देखो दोस्तों वही कुआ है जहाँ से राधा रानी पानी भरती थी। गली सकरी हो गई दोस्तों, लोग कह रहे गली सकरी हो गई, सकरी मतलब छोटी। दोस्तों पता नहीं फोन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये लिखा है आई लव राधा कुंड। अब सुबह होने दोस्तों, देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है, या ऐसे रिक्शों पर सवारी चलती थी, उनका हॉर्न कोयल बोले दोस्तों, उम्मीद करूँगा सुन पा रहे हो। देखो दोस्तों क्या खूबसूरत लग रहा है, वैसे इसके अंदर भी जाने देते हैं लेकिन भीड़ की वजह से अंदर जाने के लिए दिया, पहले हमने इसके अंदर नहाया भी है। देखो दोस्तों कितने ज़्यादा सुबह हो चुका है, अभी तक हम सोए नहीं और कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं, इस मेहनत के लिए क्या होना चाहिए, थम्स अप। कुसुम सरोवर बस दोस्तों 500-600 मीटर और बची है हमारी परिक्रमा, पूरी रात जगने चलने के बाद। अब तो दोस्तों खत्म ही होने वाले परिक्रमा हमारी, मंदिर रह गया तो अभी हम यहाँ मंदिर के अंदर से यहाँ से बाहर आए, देख सकते हैं अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसके अंदर वीडियो नहीं बना पाया मैं। ये मथुरा के स्पेशल पेड़ हम भी ले लिए हैं, अभी हमें जिस पेड़ थे मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे थे, तुम भी लेना यहाँ पे आना बिल्कुल, पेड़ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आके हमारी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है, बहुत थक गए पूरी रात जग के। बाकी बात कहते तो घर जाके देखो दोस्तों लोगों के बैग वैग कैसे रख रखे कर रहा हूँ कि आवाज़ आ रही हो, अब आ चुके हैं मथुरा से अपने घर पे, बहुत थक गए, दिन भर अभी सो लिया, शाम का समय हो रहा है, अब जग चुके हैं लेकिन बहुत थक गए थे। आपने देखा होगा भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी यार, बसें पूरी यूपी की बसें वहाँ पे आ रखी थी दोस्तों। चलो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी ये परिक्रमा लगाना जाना चाहता है भाई बहुत चलना पड़ेगा, मतलब मज़े आ जाएगा तुमको, एक बार देखने जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।